बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, आप एक बात समझिए, जो राष्ट्रपति है ना, कौन भैया? राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति किसका व्यक्ति है? संघ का व्यक्ति है। तो यहां से संघी शासन चालू हो जाता है। किसका शासन? संघी शासन। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो संघ का जो शासन है, ऐसा लिख लो, भाग पांच क्या चालू हो रहा है दोस्तों? भाग पांच। और भाग पांच कहां से कहां तक चालू होता है? तो भाग पांच चालू होता है अनुच्छेद 51 से, कि 52 से, अरे सर 52 से चालू होता है और यह चलता है 151 तक। कहां तक? अनुच्छेद 151 तक चालू हो रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या चालू हो रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चालू हो रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे? जो राष्ट्रपति है ये कहां पर है? भाग पांच में। पहली बात तो ध्यान रखिएगा कहां पर है? भाग पांच में दिया गया है। ठीक, कहां पर दिया गया है? भाग पांच में दिया गया है। राष्ट्रपति की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक इसे कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति संघी जो कार्यपालिका होती है, संघी कार्यपालिका का नाम मात्र का वास्तविक प्रमुख होता है। हमारे यहां जो राष्ट्रपति है उसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, संपूर्ण शक्तियां भारत के प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो यह संघीय कार्यपालिका का नाम मात्र वास्तविक प्रमुख है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, एक बात समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है? नाम मात्र की शक्ति है अपने पास, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और संपूर्ण वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो यहां पे लिख देता हूं कि वास्तविक शक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पास है। वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। अभी मंत्री परिषद क्या होता है जब मैं प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना? अभी इतना लिखकर समझ लो। चलो अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं पर, अर्थात पीडीएफ पर। पीडीएफ में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, आराम से पढ़ते रहना कि विधायिका में क्या क्या आता है, कार्यपालिका में क्या क्या आता है और न्यायपालिका में क्या क्या आता है। तो देखो, विधायिका में आता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, संसद, लोकसभा। कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी। तो देखो, राष्ट्रपति विधायिका का भी हिस्सा है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी हिस्सा है। राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कोई कानून नहीं बनेगा, और राष्ट्रपति उस कानून को लागू भी कराता है, क्योंकि यह कार्यपालिका का भी नाम मात्र शक्तियां हैं। देखो, मैंने लिखवाया है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की, संघीय कार्यपालिका का नाम मात्र वास्तविक प्रमुख है, नाम मात्र का है। जैसे आपके घर में दादाजी है ना, दादाजी, उनका रहना भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बोलते नहीं पर देखते रहते हैं पूरे घर को, पर घर वाले डरते रहते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति होता है, कुछ करता नहीं है पर घर का मुखिया होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपके घर में आपके दादाजी होंगे। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में लिखूंगा नहीं, आपको मैं एक बार समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि लिखवाने में बहुत समय जाएगा और कंप्लीट नहीं हो पाएगा टॉपिक। जहां पर इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे मैं लिखवाऊंगा भी। देखो, 52, ये आर्टिकल है 52 जिसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का पहला नागरिक होगा। कहां लिखा है? 52 में लिखा है। 53 देखो, 53 में लिखा है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। 53 कहता है कि राष्ट्रपति संघी कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। जो मैंने बताया
तो 53 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। और दोस्तों 53 में ही लिखा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, यहां नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्या होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। हमारे यहां तीन सेना है ना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का जो हेड होता है वो कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, 54 में क्या लिखा है दोस्तों, 54 में लिखा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव, 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं डालेगी, जनता वोट नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, हम सब लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। सर कौन डालता है, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, सांसद वगैरह, वो यहां पे वोट डालते हैं। 55 में लिखा है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, क्या लिखा है, तरीका, कि भैया भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, ये कहां लिखा है, 55 में। 56 में लिखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि भैया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, कितना होता है, 5 साल, टेन्योर लिखा है। 56 हो गया। 57, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, क्या हमारे देश में कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया दोबारा बन सकता है, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार के बाद दोबारा भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं, परंतु अब हमने ऐसी प्रथाओं को त्याग दिया है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा नहीं बनाते हैं, पर वैसे लिखा नहीं है, दोबारा बना सकते हैं। 58 की बात करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्या हो, भारत का नागरिक हो, यह है 59। 59 में लिखा राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं, निर्वाचन मंडल चाहिए, अनुमोदक चाहिए, प्रस्तावक चाहिए, तो ये 59 में है, समझाऊंगा चिंता ना करो। 60 में है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ, राष्ट्रपति शपथ लेता है कहां पर, 60 में। 61 में लिखा है राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, और 62 में लिखा है राष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्तता को भरे जाने के लिए चुनाव का आयोजन, अगर राष्ट्रपति 5 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, तो क्या है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसके पद को कैसे भरा जाएगा। सर ये पूरे याद करना है, चिंता नहीं करना, अभी मैं सब समझाऊंगा, जब मैं समझाऊंगा तो तुमको सब याद हो जाएगा, टेंशन ना लो। एक बार मैंने रफली तुमको दिखा दिया कि कौन कौन से आर्टिकल यहां पर मेंशन किए गए हैं, तो 52 से लेकर आपको 61 तक, 62 याद हो या ना हो पर 61 तक जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। अरे नोट नहीं करना है मेरे भाई, इसको नोट नहीं करना है, राष्ट्रपति बहुत बड़ा है, नोट करते करते पागल हो जाओगे, अब यहां से तुम नोट मत करो, ठीक है, जो नोट करना होगा तो मैं लिखवा दूंगा अलग से, जो नोट करने वाली बात होगी मैं लिखवा दूंगा अलग से, नोट मत करो क्योंकि बहुत बड़ा है राष्ट्रपति, छोटा सा हो तो तुम नोट कर लो, है ना, 15 पेज 20 पेज भर जाएंगे तुम्हारे नोट करने में, तो तुम यहां पे समझो, फोकस करो समझने में भी, हाँ, जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी मैं ऑलरेडी लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो। अब आर्टिकल नहीं लिखवा रहा हूं, आर्टिकल लिखवाने में आधे घंटे चले जाएगा यार, तुम लोग समझो यार, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, आपको समझना चाहिए आपका समय कितना कीमती है। अब देखो ये कुछ आर्टिकल और लिखे हुए हैं राष्ट्रपति संबंधित, जैसे 72 क्षमादान की शक्तियां, ये मैंने कब क्यों लिख दी है, रिवीजन करने के लिए, जब शुरुआत में रिवीजन करते हो ना, जब एक बार पूरा पढ़ लोगे तो रिवीजन करने के लिए। 74 में लिखा है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करना, मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है और सहयोग देती है। 111 में लिखा है क्या भाई, आपके विधेयक पर हस्ताक्षर करना। 12 में लिखा है वार्षिक वित्तीय वितरण, जिसे आम भाषा में बजट कहते हो। 123 में लिखा है क्या, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 143 में लिखा है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की शक्ति। सर ये तो याद नहीं होंगे, मत याद करो, याद वैसे भी नहीं करना तुमको, मैं सब याद करा दूंगा। अब आओ यहां पे, अब अपन बात करेंगे यहां से, अब चालू होगा राष्ट्रपति यहां से। वो आर्टिकल क्या थे सर शुरुआत में, वो 2 पेज में जो आर्टिकल दिया हूं वो आर्टिकल है पूरे पीडीएफ का सार, कि जब आप एग्जाम के समय रिवीजन करते हो ना तो वो आर्टिकल को रिवीजन करो, चले जाओ पेपर देने, ठीक। अब यहां से समझो, हम बात करें दोस्तों भाग 5 के बारे में, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 यहां पर मेंशन किया गया है। अच्छा मैंने कुछ एक मिनट, ठीक, चलो ठीक है, सही लिखा है 151 यहां पे। आइए अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है, लिखा है अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आइजनिक 2-3 राष्ट्रपति बना दो, तो एक ही राष्ट्रपति भारत में होगा, कि आपका मन चल जाए कि चलो एक काम करते हैं 4 लोगों को राष्ट्रपति बना देते हैं, ठीक। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है,
तरह संवैधानिक प्रमुख का तात्पर्य क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख का तात्पर्य होता है कि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, और जिस व्यक्ति का उल्लेख संविधान में किया जाता है उसे हम संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। कहां लिखा है? अभी मैंने बताया ना कि भाग पांच में राष्ट्रपति लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो इसी कारण से संवैधानिक प्रमुख है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अर्थात वह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, पूछे कि इस घर का संपूर्ण दायित्व किसके पास है, तुम्हारी मम्मी पिताजी क्या बोलेंगे? हमारे घर के पूरे मुखिया हैं दादाजी, हैं? और दादाजी से पूछा तक नहीं जाता कई बार, है ना? हाउ ऐसा ही होता है ना, पूरे घर के मुखिया कौन होते? बब्बा होते हैं। अगर आपके घर में दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, तो कभी उनको देखकर क्या लगे, कोई पूछे बाहर वाली कि आपके घर के पूरे संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में है, तुम बोलोगे दादाजी के हाथ में है, हैं? और दादाजी की तुम लोग एक ना सुनते होगे, सुनते हो? ऐसा ही है, पूछा जाएगा राष्ट्र पूरे भारत में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, हम बोलेंगे राष्ट्रपति के पास, पर नाम मात्र की है, है ना? किस क्या है? नाम मात्र की। देखो मैं पहले ही लिख दिया हूं, मुझे पता है कि कहां तुम फंसोगे। देखो ये लाइन लिखी हुई है कि संघीय कार्यपालिका का नाम मात्र की वास्तविक प्रमुख, इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है और संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। पहले लिख दिया हूं मैंने कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं होती, संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। देखो लिखा हुआ है, ठीक आ जाओ। अच्छा लग रहा पढ़कर? ठीक है, अच्छा अच्छा फील हो रहा होगा लोगों को। बबुआ मिट नहीं रहा यार, ये क्या बात हो गई इसको? अच्छा इधर वाला चल रही है, ठीक ठीक अब चलेगा। ओके आइए भाग पांच की हम बात करते हैं। अब लिखा रहेगा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, मतलब राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति क्या है? तीनों सेनाओं का। तीन सेनाएं कौन कौन सी होती है जल्दी बताओ। सर एक होती है थल सेना, एक होती है जल सेना और एक होती है वायु सेना। एक क्या होती है? वायु सेना। तो इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सर ये कहीं लिखा है? मैंने कहा लिखा है ना। सर कहां लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद, पढ़ो जाकर 53, और 53 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 53 में लिखा है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। कैसा प्रमुख है? नाम मात्र का प्रमुख है, नाम मात्र का, संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के पास। ठीक है चलो, राष्ट्रपति तीनों भारत का पहला नागरिक होता है। भैया राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। हमारे देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा नागरिक कौन है? इनकी वाइफ, पत्नी, धर्म पत्नी, है ना? चलो हालांकि हमारे देश में पहला ही नागरिक होता है, दूसरा नागरिक कुछ होता नहीं है। आइए अनुच्छेद 54 की हम बात करते हैं। देखो 52 में क्या लिखा है? भारत का राष्ट्रपति। 53 में क्या लिखा है? कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियां हैं। 53 में ही लिखा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। 52-53 याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा। आओ 54 की बात करते हैं। 54 कहता है कि के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा। सर निर्वाचन मंडल क्या होता है? निर्वाचन मंडल का तात्पर्य होता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना मेरे लाल, तो चुनाव में एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट करेंगे, क्या करेंगे? वोट करेंगे। तो देखो संसद के दोनों सदनों, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। थोड़ा यहां पे समझो, अब यहां पे तुम्हें समझना है। मैंने कहा कि भैया राष्ट्रपति का के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचन मंडल बनता है। क्या बनता है? एक निर्वाचक मंडल बनता है। सर ये क्या होता है कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट करेंगे। अच्छी बात है सर। जैसे तुम्हारे घर में आते हैं ना रिश्तेदार, जब कोई शादी वादी होती तो पिताजी क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं कितने मेहमानों को कार्ड जाएगा, कितने मेहमान शादी में आएंगे, कितने लोगों का खाना बनेगा, कितने लोगों को खाना लेकर जाएंगे। ऐसे ही एक पूरा राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचन मंडल तैयार होता है कि भैया कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने आएंगे। तो लिखो भैया राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मित्रगण कौन आते हैं? निर्वाचित सदस्य आते हैं, पहली बात तो ये।
मतलब कि संसद, संसद किससे मिलकर बनी है? सर लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। निर्वाचित मतलब जिसको तुमने वोट किया हो, जिसका चुनाव हुआ हो। निर्वाचित मतलब होता है जिसका चुनाव हुआ हो, लिख लेता हूं, जिसका चुनाव हुआ हो, जो चुनाव लड़कर आया हो, चुनाव जीत कर आया हो, उसको बोलते हैं निर्वाचित, इलेक्टेड पीपल। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों लिख लीजिए इसको, इलेक्टेड पीपल। क्या बोलेंगे बेटा मेरे लाल? इलेक्टेड पीपल कहेंगे, मालूम है, लिखते चलो। तो दूसरा, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करने आएंगे, मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं मेरे लाल। अब एक बात देखो, साथ ही राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही जो राज्य है ना, राज्यों की विधानसभा के, किसके मेरे लाल, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कहां के, राज्यसभा, जो जितने भी राज्य हैं उन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगर आप बिहार के हो, कहां के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, तो वहां के निर्वाचित सदस्य, बिहार, यूपी, एमपी, वहां के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करने आएंगे। आज मेरी क्लास 8 बजे से चल रही थी मेरे लाल लालियों, हैं, और तुम लेट आए हो दोस्तों। और दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहां पर भी क्या है, विधानसभाएं हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, ठीक है। एक बात मैं लिखे देता हूं यहां पर, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। जो मनोनीत होते हैं ना, मनोनीत जो चुनकर नहीं आते, मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते। क्या नहीं करते? वोट नहीं करते, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अब देख लेते हैं, यहां पे देखो 54 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट लेते हैं, मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा से क्या आएंगे, निर्वाचित मतलब सांसद आएंगे, यहां पर सांसद वोट करेंगे, ठीक है, जो इलेक्टेड होंगे। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अब राज्य की विधानसभा से कौन आता है, सर विधानसभा से आते हैं विधायक, तो विधायक भैया भी वोट डालने जाएंगे। विधायक को किसने चुना है, आपने चुना है। संसद को किसने चुना है, सांसद को, आपने चुना है, इसलिए आप वोट डालने नहीं जाते, आपके मनोनीत सदस्य वोट डालने जाते हैं। आपने जिसको चुन दिया है, अब वो चुने हुए लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाएंगे। सभी राज्यों में राज्यसभा की सीटें अलग होती हैं, लोकसभा की सीटें अलग अलग होती हैं। साथ ही दोस्तों, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया है। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया है, क्योंकि यहां पर इनकी क्या है, विधानसभा है। क्या है मेरे लाल, इनकी विधानसभा है। ये मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसको अपन ने संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है। कौन संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, कौन सा, 70वां। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल कर लिया है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो बताओ भैया, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, पहला लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और सर दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। वोट कौन नहीं डालता, मनोनीत सदस्य लोग वोट नहीं डालते। श्याम का प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य वोट डालते हैं, नहीं डालते हैं, लिख देता हूं, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये वोट नहीं डालते, वोट नहीं डालते हैं। अब प्रश्न है कि सर क्यों नहीं डालते, क्योंकि हमारे पूरे 28 राज्यों में विधान परिषद नहीं है, और जब 28 राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं, तो जिस राज्यों में विधान परिषद है उनको अपन वोट डालने का अधिकार नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी राज्यों में लागू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख, चाहो तो लिख लो, मैं लिख देता हूं, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। वोट नहीं डालते हैं, ठीक।